बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 1048 का इसका प्रीवियस क्लोज रहा है। शुरुआत भी इसका सही ठीक ठाक था, लेकिन शुरुआत में इसमें आपने बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल आपको नज़र आया। अब ये डाउनफॉल से बहुत कुछ साबित होता है कि ऐसे डाउनफॉल जब सीधी लकीर में आता है, स्टिफ के साथ आता है, तो यहाँ से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा तय हो जाता है। इसमें भी दो बातें हैं, अगर ये सीधा अगर बॉटम लाइन को टच करता है तो सिर्फ 20-30% तक ही ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये सेकंड लास्ट रो तक आके फिर वापस जाता है तो एक बात है कि वो बहुत ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 100% तक टच कर जाता है जहाँ से शुरुआत होता है उससे ऊपर भी। अब बात करते हैं तो देखिए कम से कम 1.5 घंटे तक यहाँ पर ठीक ठाक ट्रेड किया, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की अब बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये बार बार 1050 को मेडियन को टच करके वापस आ रहा था। मतलब मार्केट को ये रेजिस्टेंस कंसोलिडेट करने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर बाद में एक गड़बड़ी तो नहीं कहेंगे, 12:30 बजे के बाद तो बहुत सारे शेयर्स में नरमी आई, गिरे हैं, इसमें भी आई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। ये इसने अपने ताकत के दम पे 1035 का जो मेडियन है उसको पकड़ के आगे बढ़ा, और यहाँ पे बिल्कुल भी साफ तौर पे देखा जा सकता है फ्लक्चुएशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पे सीधी लकीर आपको दिख रही है, ज़्यादा यहाँ पे उछल कूद नहीं है। अब जब ये कल मार्केट में शुरू होगा तो ये अपडेट के साथ शुरू होगा, और अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं टेक महिंद्रा में, तो आपका निवेश इसमें कितना होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, तो सीधा सीधा आप इसमें टारगेट लगाएंगे 1150 का आपका इसमें टारगेट हो जाए, जो 2 महीने के अंदर आपका पूरा भी हो जाएगा। बात करते हैं अगले 5 साल की, अगर आप 5 साल के लिए इसमें सोच रहे हैं तो पिछले 5 साल में इसने कंपनी ने 126% आपको रिटर्न दे दिया है, तो उसके हिसाब से सीधा सीधा आपका यहाँ पे होना चाहिए रिटर्न 2200 का। ये सिर्फ 3 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए ज़रूरत भी नहीं है, अगले 3 साल में आपको 2200 का रिटर्न मिल भी जाएगा।